इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आया हूँ लाहौर का स्पेशल तवा चिकन, वो भी हैदराबाद के अंदर। और ये लॉन्च कर दिया है पिज्जा लो ने। अभी मैंने तवा चिकन खाया है, मजा आ गया। तवा चिकन बड़ी आलीशान बनाया है इन्होंने, और नई लॉन्चिंग है हैदराबाद में, अभी तक ऐसा है नहीं। अभी जो हमने इन लोगों का तवा चिकन चेक किया है, ट्राई किया है, तो बेनतहा जबरदस्त, मतलब हैदराबाद में रहते हुए लाहौर की याद दिला दी इनके तवा चिकन ने। आज हम लोग आए हैं हैदराबाद के अंदर ऐसी जगह पर जहाँ पे मिलने वाला है तवा चिकन, और ये जो डिश है ये जब मुझे पता चला कि यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है तो मैं तो फौरन पूछ गया, क्योंकि हैदराबाद के अंदर ये इससे पहले कभी भी किसी ने लॉन्च नहीं करी। इसको बनाने का बड़ा डिफरेंट तरीका है। सबसे पहले इसको बारबेक्यू से निकाल कर आप तवे पे कटाकट की तरह थोड़ा सा इसको बनाते हैं, तो अभी इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। इसमें फ्लेवर जो है तंदूरी का फ्लेवर जाता है, ऊपर से हरी मिर्ची होती है इसके अंदर, दही के साथ ही बनता है, ऑयली होता है, जूसी होता है, मेन चीज़ है। और इसमें एक ग्रेवी भी होती है जिसको आप कह दें कि कढ़ाई का लुक दे दें, कुछ भी दे दें, तो बहुत आला है फ्लेवर। आप इसको आगे ट्राई करें, है तवा 6 नंबर के अंदर पिज्जा लो की जाने। तवा चिकन ये लाहौर की स्पेशलिटी है, लाहौर में ये हाफ डन टिक्का करने के बाद उसको बहुत स्पाइसी डिश है और बहुत फेमस थी। हमने जाके ट्राई भी किया लाहौर में और आपने खा के चेक किया है, बारी ने भी ट्राई किया है, तो अच्छा हमें रिव्यूज़ तो बहुत अच्छे मिले। अच्छा जी, ये है वो तवा चिकन जो आप देख सकते हैं। बेसिकली ये बारबेक्यू पे, एक्चुअली में ये बारबेक्यू का जो होता है ना टिक्का, ये वैसा होता है, लेकिन इसको फिर तवे पे डाल के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई किया जाता है और इसको कटाकट की तरह से इस पर कितने इसका नाम क्या होता है जिससे इसको मारते हैं, तो अभी इसको ट्राई करने वाले हैं और अभी हम चेक करते हैं कि इसका जो टेस्ट है वो कैसा है। और रोटी भी स्पेशल यहाँ पर आपको इनकी मिलेगी। और हाँ, ये आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा लो ने सिंगर बर्गर भी लॉन्च कर दिया है, और उससे इसको बाद में देखेंगे, पहले तवा चिकन को देखते हैं ज़रा ये कैसा है। तो मुझे क्योंकि विंग्स और लेग पीस बहुत पसंद है तो मैं स्टार्ट वहीं से करूँगा। जूम शॉट है भाई, ये आप देख सकते हैं स्पेशल तवा चिकन। इसको लगाएंगे पहले इसके मसाले से, थोड़ा थोड़ी सी हरी मिर्च लेंगे और रायते से लगा कर। मज़ेदार है यार, बेहतरीन किस्म का है, क्योंकि नॉर्मल चिकन टिक्के तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, लेकिन इस तरह तवे के ऊपर इसको दोबारा से फ्राई करके दही वही के अंदर, बल्कि उनके कुछ स्पेशल जो दही है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर मिली हुई हैं, तो उसका जो टेस्ट आ रहा है ना, लाजवाब आ रहा है। और बोलने से ज़्यादा मेरा दिल कर रहा है मैं इसको भी खाता हूँ, क्योंकि बहुत ही मज़े का आइटम, ऐसे दिखने भी यूनिक है और टेस्ट भी करके देख लेते हैं कि वही कैसा है। तो अब इसका मीट भी देख सकते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से पकाया गया है, इसको रेशा रेशा हो रहा है ऐसे, तो ज़बरदस्त तरीके से समझें कि पहली बात तो ये इसका बारबेक्यू बना रहे हैं, फिर उसके बाद इसको उसको पका रहे हैं, तो वैसे ही टेंडर होना ही था। और यहाँ पर इनका जो ग्रेवी है यार, वैसे ग्रेवी है ना, ये मसाला बड़ा मज़े का है वैसे, हाँ नहीं टेस्ट में वैसे का बहुत यूनिक टेस्ट है, मतलब अगर आप खाएंगे तो आप बोलेंगे यार भाई सही चीज़ के पैसे दिए, तो इस दफ़ा सही चीज़ ट्राई करिए। हैदराबाद के अंदर इससे पहले ट्राई कराई गई है, ऐसे टाइप से नहीं ट्राई किया भाई। आपको यूनिक इस तरह से है कि पहली बात तो जो ग्रेवी है ना इसकी, वो बड़ी मज़े की, और जो फ्लेवर है ना ग्रेवी से ज़्यादा मज़े का लग रहा है, ग्रेवी ज़्यादा मज़े का लग रहा है। जिंगर की पेटी का आप साइज़ देख सकते हैं, सॉसेज देख सकते हैं, चीज़ देख सकते हैं, बेहतरीन होने वाला है। सॉस की मामले में पिज़्ज़ा लो हमेशा आगे रहा, और इनका सिंगर भी अच्छा है। अच्छा भाई, आप लोग बहुत दिनों से मुझसे आप वो कर रहे थे फरमाइश के भाई कुछ नया लेकर आओ, बर्गर वर्गर बहुत खाली है, तो अभी ये नई चीज़ है, और अपने दोस्तों को टैग करके बताओ कि भाई ये हैदराबाद के अंदर तवा चिकन आ गया, ट्राई करो। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा मज़े का है, और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप मायूस नहीं होंगे, आपको मज़ा ही आएगा, और आप मेरी तारीफ़ भी करके जाएंगे जब वीडियो देख के यहाँ पे आएंगे। तो प्राइस के बारे में आपको बता चलूँ कि इसके जो प्राइस हैं वो तकरीबन 500 रुपये का है, तवा चिकन जो आपको मिलेगा वो 500 रुपये का मिलेगा, और 500 के हिसाब से देखा जाए तो ये वैल्यू सही है। चिकन का साइज़ बड़ा है और ग्रेवी वगैरह दी जा रही है बर्गर की। तो सिंगर बर्गर जो मैंने भी टेस्ट किया है वो है 450 का। एड्रेस आपको समझा देता हूँ, लाल एमर जो अगर हॉस्पिटल आपने देखा हो यूनिट नंबर 6 के अंदर, उसके बिल्कुल सामने एक रोड आ रहा है, उस रोड पर आप सीधे आ जाएँ तो आपको पिज़्ज़ा लो की शॉप नज़र आ जाएगी, और तवा चिकन का बड़ा जो काउंटर है वो बाहर आपको नज़र आ जाएगा। तो आपने रुक जाना है, वो ये ट्राई करना है, और 500 की प्राइस रेंज एक मीडियम प्राइस रेंज है, ना ज़्यादा है ना कम, तो उसमें आपको दो चपाती भी मिलेगी, और टेस्ट में आपको बता रहा हूँ बहुत मज़े का, आकर ट्राई करिएगा। और इसमें जो चीज़ ये कि अगर आप वीडियो प्रोडक्शन के हवाले से वेडिंग फोटोग्राफी या वेडिंग
वीडियोग्राफी अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे हमसे डीएम के अंदर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। और ये सर्विस भी हम लोग आज करते हैं।